स्टूडेंट, मैं सूरज और आज मैं आपके बीच लेकर आया हूँ कंस्ट्रक्शन, यानी कि यह जो है कंस्ट्रक्शन वो छोटे लेवल से मैं आपको बताना चाहूँगा। ये 9 क्लास का कंस्ट्रक्शन है, जिसमें कि लाइंस को समद्विभाजित करना आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 5.8 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचने के लिए कहा है, जिसे लंब समद्विभाजक उसमें खींचना है, यानी कि एक रेखा खींचनी है, उसे लंब समद्विभाजित करनी है। तो उसे एक लाइन को हम लोग खींच करके लंब समद्विभाजित करते हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले 5.8 सेंटीमीटर का जो है वो हमें क्या करना है, खींच लेना है लाइन। 5.8 सेंटीमीटर का लाइन खींचनी है, तो 5.8 सेंटीमीटर का लाइन हम लोग खींच लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ से 5.8 के पास देख लेंगे और यहाँ पर 0 के पास से पॉइंट कर देंगे, ऐसे एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा। अब क्या करेंगे कि आधे से अधिक लेकर के हम चाप के द्वारा आधे से अधिक लेकर के क्या करेंगे, ऊपर की तरफ एक वृत्त बनाएंगे और नीचे की तरफ आधे से अधिक लेकर के, और उसी तरीके से इसे सेंटर मान करके हम चाप को ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ ऐसे करके कट करेंगे, और पुनः जो है अब इसे इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मर्ज कर देंगे। यहाँ पे जो जहाँ पर कटे हैं बिंदु, वहाँ पर क्या करना है, एक दूसरे को मिला देना है, ऐसे लाइन खींच देना है। अब चूँकि देखिए ए बी, हम इस भुजा को अगर मान लेते हैं ए बी है, तो अब ये जो पी, इस बिंदु को पी और इस बिंदु को क्यू मान लेते हैं, तो ये जो पी क्यू है वह ए बी का समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक रेखा है यहाँ पर। अब देखिए अगला जो सवाल है वो है आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि अगला जो सवाल है वो कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की रचना करें जिसकी एक भुजा की दी गई है वह 4 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 सेंटीमीटर ले लेंगे, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, इससे देखिए एग्जैक्ट यहाँ पर इससे 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4 सेंटीमीटर को टिक कर लेंगे ऐसे, अब इस लाइन को मिला लेंगे, यानी कि रेखा 4 सेंटीमीटर के खींच दी गई। अब इसे चूंकि हमें दे दिया गया कोई भी, तो हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं कि यहाँ पे बी और ये सी है, तो सबसे पहले सी को सेंटर मान करके, सी को सेंटर मान करके जो है हम क्या करते हैं, एक सी को सेंटर मान करके ऐसे करके एक वृत्त की रचना कर देते हैं यहाँ पर, और फिर उसी तरह से बी को सेंटर मान करके हम क्या करते हैं, यहाँ से भी इस तरह से ऐसे रचना कर देते हैं। क्योंकि ये जो हम पहले मानते हैं कि ये जो हमारा बी सी है वो त्रिज्या है, और उसी को मान करके हमने क्या किया, यहाँ पर इसे घुमा दिया। अब देखिए जहाँ पर ये कटे हैं वहाँ से इस पॉइंट को, जहाँ पर ये कट गए उससे इसे मिला देना है और इसी को इसे मिला देना है, तो एग्जैक्ट जो 4 सेंटीमीटर ये है वही 4 सेंटीमीटर ये भी हो जाएगा, यही 4 सेंटीमीटर ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से एक समबाहु त्रिभुज की रचना कर सकते हैं, और पहला जो हमने आपको बताया कि यहाँ पे लंब समद्विभाजक खींच सकते हैं। अब स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हम आपको ये वादा करते हैं आपसे कि हम नेक्स्ट वीडियो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड भी आपको देंगे, जिसमें कि बृहद पैमाने पे, और आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और रिलेटेड सवाल दे सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।